हरिः ओम्। प्रथमः स्कन्दः चतुर्थोऽध्यायः नवमः श्लोकः। अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः कर्माणि च गृणीहिनः। हे गुरुदेव, हे सुज्जी, अस्माभिः श्रुतं यत् अभिमन्युसुतं भागवतोत्तमं, अर्थात अभिमन्यु का सुत पुत्र परीक्षित और वह भागवतोत्तम था, अर्थात परम भगवत भक्त था, और उसका जन्म महद आश्चर्यकारकम और उसके जन्म में स्वयं परमात्मा का अनुग्रह, परमात्मा की अनुकंपा और निज भक्तों का पालन, निज भक्तों के प्रति अनन्य स्नेह, ये सारी बातें अंदर है, हमने सुना है। गुरुदेव हमको वे कथा तो सुनाए, उस कथा का हमको श्रवण कराएं, हम परम भक्तों का, परम भगवदीय भक्तों का, परम भागवतोत्तमों का श्रवण करते करते हम खुद पवित्र बनना चाहते हैं। गुरुदेव हमको आप आज सुनाए, आपके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। सुखदेव जी ने उत्तमं भागवतम प्राहु कहा है परीक्षित जी को, हमको सुनाए जन्म की कथा, हमको सुनाए महास बहुत ही आश्चर्यकारक कथा है, हमको सुनाए, हम लालायित हैं, हमें बड़ा ही आनंद आता है। हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं मम, हरि शरणं। अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः कर्माणि च गृणीहिनः।